तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सर्दी का जो मौसम है वो यहाँ पे दस्तक दे चुका है, और अभी इस वीडियो में, इस सर्दी के मौसम में, हम आपके लेके आ गए हैं गर्मा गर्म रिव्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है इसका। ये बेसिकली यहाँ पर एक पोर्टेबल हीटर है। जी हाँ, बहुत ही छोटू साइज का पोर्टेबल हीटर है। छोटू जरूर है लेकिन काम इसका बड़ा है। इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, जहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है हैंडी हीटर, क्विक एंड इजी हीट एनीवेयर। तो चलिए इसे फटाफट से यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे डब्बे के अंदर से कुछ इस तरीके से बबल रैप के अंदर यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, और इसी के साथ यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि ये कुछ पेपर वर्क है। इसे पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस कोई भी होता है तो पेपर वर्क में काफ़ी ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ पे लिखी होती हैं, जिन्हें पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बबल रैप के अंदर से सीधा निकालते हैं हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, उसे देखते हैं कैसा यहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है। सीधा करके अगर मैं आपको दिखाऊं और कैमरा को यहाँ पे मैं करूँ थोड़ा सा एडजस्ट, वैसे आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ किस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके आगे ग्रिल यहाँ पे दी गई हैं, ये मेटलिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी जो पूरी बॉडी है वो यहाँ पे प्लास्टिक की है। पीछे ये एक कवर लगाया गया है, बेसिकली ये प्लग सॉकेट आपके सॉकेट में लगाने के लिए यहाँ पे ये प्लग है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाँ, ये नीचे फैन दिया गया है, नीचे से यहाँ पे ये कोल्ड एयर लेगा और यहाँ सामने की तरफ से हॉट एयर यहाँ पे ब्लो करेगा। हॉट एयर ब्लोअर भी इस वजह से आप इसे यहाँ पे बोल सकते हो। और ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ पे दी गई है एक छोटी सी डिस्प्ले, जो कि अभी हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसके अंदर फंक्शनैलिटी है। बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे चार अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए जो दिखाएंगे, और साथ में यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे दिया गया है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ओवरऑल इसका यहाँ पे लुक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कितने छोटू सा साइज का यहाँ पे ये हीटर है, बेसिकली एक रूम हीटर भी आप इसे बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकली अगर इसका नाम यहाँ पे ले, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे काम करता है, तो बेसिकली इसे एक पोर्टेबल पीटीसी हीटर यहाँ पे बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीटीसी एलिमेंट का यहाँ पे यूज लिया गया है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम में आएगा, किस तरीके से आपके रूम को या फिर आपको यहाँ पे ये गर्म करेगा। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इसे यूज़ करना है। तो देखिए, ये मेरे हाथ में है सिंपल, जिस तरीके से आपकी मच्छर मारने वाली मशीन होती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये है। पीछे इसके प्लग है, आपको ये सॉकेट अपने घर का जो नॉर्मल सॉकेट है उसके अंदर यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से लगाना है। ये यहाँ पे लग गया, उसके बाद यहाँ से आपको स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे ये एक और साइड में पावर बटन जो मैंने आपको दिखाया था इस साइड में, इसको आप जैसे यहाँ पे दबाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं माइक इसके पास लाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हवा जो है गर्म, जिसे आप एयर बोल सकते हो, वो यहाँ से आपको थ्रो देखने को मिलता है बेसिकली। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्म है। एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलती है, जो मैं आप डिस्प्ले आपको बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 25 पे यहाँ पे इसका टेम्परेचर सेट है। बेसिकली यहाँ पे प्लस और माइनस के लिए बटन है। अब आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसे प्लस करता हूँ, टेम्परेचर आप यहाँ पे इसका और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि 32 तक यहाँ पे जाता है, और अगर आप इसे एक बार प्रेस करके रखेंगे लंबे समय तक तो और ज़्यादा यहाँ पे पहुँच जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अगेन प्रेस करेंगे तो नॉर्मल जो आपने सेट किया था उस पर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आप और भी ज़्यादा इसे कम कर सकते हैं। कम से कम यहाँ पे ये 15 तक आ सकता है। और इसी के अंदर यहाँ पे आपको चार बटन देखने को मिलते हैं, तो इनके अलावा दो बटन्स और आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। एक तो है अगर आप फैन की स्पीड यहाँ पे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं लो हो चुकी है, LL लिखा है यहाँ पे, HH का मतलब हाई है, और ये यहाँ पे टाइमर है, बेसिकली एक 12 आवर्स का टाइमर है। आप अगर इसे दबाते हैं तो आप देख सकते हैं 1 पे 2 पे, मतलब 2 घंटे के लिए सेट हो गया है, 3 घंटे के लिए, इस तरीके से कर करके यहाँ पे ये 12 घंटे तक का जो टाइमर है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इसे 1 घंटे पे सेट करते हो तो उसके बाद ये अपने आप ही 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे गर्म हवा फेंकता है, इसके सामने आपको गर्म हवा देखने को यहाँ पे मिल रही है। बेसिकली यहाँ पे ये एक जो ब्लोअर काइंड ऑफ जो हीटर होता है वो यहाँ पर ये है, हॉट एयर यहाँ से आपको इसके अंदर निकलती देखने को मिलती है। आप कॉइल्स जो देख सकते हो इसके अंदर किस तरीके से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है,
जो पीटीसी कॉइल्स हैं सिरेमिक, तो उनके अंदर इस तरीके से आपको करंट पास होता हुआ इसके अंदर ग्लो करती हुई यहाँ पे अंदर दिख रही होंगी इसके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे मेटल का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप इसे हाथ मत लगाइएगा, अपने बच्चे वगैरह को भी इससे दूर रखिएगा, क्योंकि गर्म हवा फेंकेगा और मेटल है तो गर्म यहाँ पे हो ही जाएगी। बाकी पूरा का पूरा जो बिल्ड है आपको यहाँ पे ओवरऑल प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पे नीचे से यहाँ पे ये लेता है। आप देख सकते हैं नीचे इसके जो फैन है जो वो नीचे यहाँ पे घूमता हुआ आपको दिख रहा होगा शायद, या फिर नहीं भी दिख रहा होगा, पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जाली बनी हुई है इसके अंदर से यहाँ पे हवा लेता है। तो इसे आपको कवर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे कवर करेंगे तो ये जल भी सकता है, क्योंकि फिर अंदर ठंडी हवा का एयर फ्लो नहीं होगा, तो फिर यहाँ से गर्म हवा ये कैसे देगा और इसकी कॉयल्स यहाँ पे कैसे ठंडी होंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी पूरा ओवरऑल जो लुक है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि इसकी जो पीक पावर कंजम्पशन है वो यहाँ पे 400 वॉट की है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो भारी भरकम जो बड़े हीटर्स होते हैं जो कि 1000-2000 वॉट पे चलते हैं, उतनी बिजली यहाँ पे ये नहीं खाता है। तो हाँ पावर एफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा है, आपके बिल है जो बिजली का उसके अंदर इतना ज़्यादा पैसे यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये एक पीटीसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला हीटर है, बेसिकली पीटीसी पोर्टेबल हीटर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे पीटीसी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एलिमेंट यूज़ किया गया है वो कोई नॉर्मल सिंपल वायर वाला एलिमेंट नहीं है, जो कि आपको कुछ इस तरीके के नॉर्मल हीटर्स में देखने को मिलता है, वो एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली सिरामिक मटेरियल का एलिमेंट यूज किया गया है इसके अंदर, और ये बहुत सिरामिक जो होता है नॉर्मल जो अपने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं उन सबसे ज्यादा यहाँ पे ये ड्यूरेबल होता है और पावर एफिशिएंट भी यहाँ पर होता है और ज्यादा बेटर यहाँ पे हीटिंग करता है। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई छोटा सा है ये, तो क्या ये रूम को सही में यहाँ पे गर्म करता है? तो देखिए जैसे कि इसका नाम ही है भाई पोर्टेबल छोटू हीटर यहाँ पे, तो जो आपके बड़े पीटीसी हीटर वगैरह होते हैं या फिर ऑयल फील्ड हीटर्स वगैरह होते हैं उन जितना यहाँ पे ये काम नहीं करेगा भाई, छोटा है, प्राइस भी कम है, प्राइस की बात यहाँ पे करेंगे अब यहाँ पे। लेकिन क्या है कि अगर आप एक सिंगल बंदे हो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम आ सकता है, एक दो बंदों के लिए यहाँ पे काम आ सकता है। आप क्या कर सकते हो कि एक्सटेंशन कोड जो होती है एक्सटेंशन वाला बोर्ड हमारा होता है उसके साथ इसे यूज़ कर सकते हो, लगा के अपने बेड वगैरह पे कुछ इस तरीके से रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से नीचे से यहाँ पे हवा लेता है, ठंडी हवा कोल्ड एयर यहाँ से लेता है, तो इसे लगातार इसके कॉइल्स को भी जो पीटीसी इसके अंदर कॉइल्स लगी है उनको भी कूल होने की जरूरत होती है। तो इस रास्ते को आपको नहीं रोकना है, कुछ इस तरीके से आप इसे रख सकते हो एक्सटेंशन कोड लगा के भी। लेकिन एक्सटेंशन जो कोड है वो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सटेंशन कोड का वायर इतना नहीं है मतलब इतने लोड को नहीं झेल सकता 400 वोट का, तो उसे यूज़ मत करना, अच्छे एक्सटेंशन वायर कोड के साथ यहाँ पे इसे यूज़ करना। तो कुछ इस तरीके से आप इसके सामने बैठ के भी मजे से अपने आप को सेक सकते हो जिसे हम बोले देसी भाषा में, तो वो चीज यहां पर है। अब दोस्तों इसके बाद फाइनली यहां पे बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में कि किस प्राइसिंग पे मैंने इसे यहां पे परचेज किया है और आप कहां से इसे परचेज कर सकते हो। तो देखिए यहां पर मैंने इसे यहां पे परचेज किया है 600 रुपए से भी कम की प्राइसिंग पे, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप भाग के पोर्टेबल हीटर वगैरह सर्च करने जाओगे अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर तो यही सेम चीज इसी तरीके की सेम प्रोडक्ट आपको यहां पर 1000-2000-1500 रुपए तक भी देखने को मिलेंगे। तो भाई नहीं, ये सेम एक जेनरिक प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली चाइना से इंडिया के अंदर इंपोर्ट यहां पे होता है और अलग अलग कंपनी से अलग अलग डब्बों में पैक करके यहाँ पे बेचती हैं। तो आप इस चीज़ के झांसे में मत आना कि आप सेम चीज़ ज़्यादा महंगे में खरीद लो, आपको सेम प्रोडक्ट 10 देखने को मिलेंगे हर वेबसाइट के ऊपर। तो जो बेस्ट सबसे सस्ता जो लिंक है इसका जो मैंने जहाँ से परचेज किया, अगर उससे भी सस्ता कोई लिंक मुझे मिल सकता है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हो कम से कम प्राइसिंग में। हालांकि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो भाई इसी को फिर 1000 में ले लेना, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक वीडियो इस छोटू से पोर्टेबल हीटर के ऊपर, आपको कैसा लगा है प्रोडक्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपने सभी विचार आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो। और भाई चैनल पर नए हो तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं मिलता हूँ हमेशा की तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।